प्लीज जरूर देखिएगा वो वाला पॉडकास्ट नहाते वाला और उसको नहाने वाला पार्ट स्किप करके हम बाकी चीजों पर बात कर लेते हैं क्योंकि वो तो सेपरेट बात हो चुकी है उसमें तो सबसे पहले ये उठती है सुबह और कहती है आज हम लेट उठे हैं तो वो तो दिख रहा है जिस दिन आप लेट उठती हैं अब पहली बात तो आप जल्दी कब उठती हैं हमेशा ही बारह उठते हैं ये लोग तो जो आज हम लेट उठे वो मुंह सूझा हुआ दिख रहा है आपका और दिख रहा है कि नहाए ना धोए ना मुंह ना धोया ना, ना कुछ बस उठ के नीचे चली जाती है नीचे चली जाती है और अपने ना अपने साथ ढेर सारे कपड़ों की पोटली लेके जाती है और पोटली लेके जाती है कि मैं कपड़े दे देती हूँ नीचे क्योंकि कम वाली नहीं आई है वो धो देगी तो नीचे से तुम कपड़े धुलवा रहे हो तुम्हारे हाथ नहीं है क्या तुम खुद नहीं धो सकते क्या अपने कपड़े ये देखिए इतने सारे कपड़े और इसमें जैकेट वैकेट भी ले रखिए अब ये जैकेट कैसे धुलेगी मतलब हाथ से धोएंगे कितना पानी भर जाएगा क्या होगा मुझे नहीं समझ आता और ये इतने सारे कपड़े उठा के चल पड़ती है कि हम नीचे अपनी अम्मी को दे देंगे अम्मी तो क्या ही करेंगी अम्मी के बस का तो कुछ भी नहीं है वो तो अपना दो वक्त ही खाना भी नहीं बना पाती होंगी और बेटी खाला के हिस्से पड़ा सारा सामान तो ये सामान उठा के इन्होंने पकड़ा दिया जिस तरीके से कपड़े पकड़े मैंने इससे पता चल जाएगा कि ऐसे मतलब ऐसे लेके जा रही होगी दो कपड़े जमीन पे गिरेंगे गिरेंगे सीढ़ी पे चढ़ते-चढ़ते या एलिवेटर में और लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बाद जब ये अपने नीचे पहुंच जाती है अम्मी को जैसे ही दरवाजा खोलती है ना तो आप देखना कि रिजा कुछ अंगड़ाई वंगड़ाई ले रही होगी तो उस पर टोकती है ये नीचे जाके तो बहुत जबान चलती है इसकी भाई भाभी के घर जाके देखो ऐसे डरी सहमी दबी हुई आवाज की निकले वहां पे जाके रिजा को बोलती है अरे रिजा जब भी मैं आती हूँ तो अंगड़ाई क्यों ले रही होती है भैया वो सुबह उठी है जो भी मर्जी करे अपना घर है उसका अंगड़ाई ले खड़े हो या बैठे है वो तुम्हारी मर्जी से सब कुछ करेगी क्या और पीछे देखो बेटी खाला वहां पे बैठ के नमाज पढ़ रही है जो कि बहुत क्लियरली विजिबल है और इसके टाइम एंड अगेन टाइम एंड अगेन बार बार यही होता है ये नमाज जो इसके घर में पढ़ रहे होते हैं ना बेचारे दो चार लोग ही हैं जो इनके घर में सही सही सा, से इस्लाम को थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे हैं ये नमाज वगैरह पढ़ रहे हैं कुछ अपने हिसाब से पूजा पाठ कर रहे हैं बाकी इसको तो कुछ करना धरना है नहीं लेकिन वहां पे भी ऐसा नहीं कि शांति रखे देखा कि भाई कोई पूजा कर रहा है तो शांति तो बना के रखे रिजा को टोकने में लग गई फिर अंदर चली जाती है और ये जो बेटी खाला है उनके पूरे मुंह पे कैमरा घुसा के कि अच्छा बेटी खाला है नमाज पढ़ रही हो अच्छा भैया वो दिख नहीं रखे तुम्हें दूर से बैठे हुए है नमाज पढ़ रही है तो उनके मुंह में कैमरा लगाना जरूरी है तुम्हें दूर से नहीं दिख रहा फिर ये जाती है अपनी माँ के कमरे में और बोलती है मम्मी ये कपड़े लेके आई और धो देना बोलती है मैं धोंगी मतलब उसकी माँ भी डर गयी अरे इतने सारे कपड़े में और नीचे आ जाते हैं क्या बनाया है क्या कर रहे हैं और फिर उसकी माँ खाना बनाने लगती है मतलब चाय बन रही है चाय बन रही है तो मतलब ये बंदी सुबह उठते ही सीधा नीचे पहुंच जाती है अपने घर में ना खाना बनाती है ना चाय बनाती है क्योंकि बर्तन गंदे होंगे ना घर भी गंदा होगा किचन भी गंदी होगी तो कौन काम करेगा है ना नीचे चले जाते हैं वही बनाएंगे नौकर रखे हुए हैं ना बेटी खाला को किस लिए यूज कर रहे हैं बेटी खाला को किस लिए हम ले ले लेके घूमते हैं महोदा से मुंबई क्योंकि वो खाना बनाएंगे काम करेंगे हमारे लिए और अम्मी का भी हेल्प हो जाएगी तो ये नीचे आ जाती है चाय पानी खाना पीने पूरे टाइम नीचे ही पड़ी रहती है जबकि इसकी माँ ने आज दो बार बोल भी दिया ना अब तो नीचे नहीं आओगी ना आ जाना आ जाना अरे तुम नीचे मत आना अब क्योंकि इसकी माँ भी पक चुकी है बिल्कुल सड़ चुकी है भैया मत आओ तुम्हारी शादी हो गई तुमने अपना घर बना लिया है अपने पति के साथ रहो ऊपर जो मर्जी करो खाओ पियो ऐश करो तुम नीचे मत आके सबको हैरान परेशान करो फिर यहाँ देखो रेहान सो रहा है उसके बाद ये कहते हैं रेहान सो रहे हो अभी तक रेहान अरे रेहान सो क्यों रहा है भैया तो तुम दस मिनट पहले उठ गई हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दुनिया में कोई और सोएगा नहीं वो बच्चा है जवान बच्चे हैं लड़के है सोते रहते हैं लड़के लड़के आजकल थोड़ा सोते लंबा है लेकिन जिस तरीके से उठा रही है तो सोने वाले बच्चे के ऊपर ऐसे कभी नहीं डाल सकते हो आप कैमरा चाहे वो लड़का हो या लड़की हो उसकी प्राइवेसी होती है थोड़ी वो सो भी रहा है तो तुम उसे उठाना है तो कैमरा बंद करके उठाओ इसको तो हर एक सीन जिंदगी का होता है ना हर एक जैसे होता है ना मोमेंट कैप्चर कर लो मैं वो आग लगी हुई है कि रेहान सो रहा है तो इसको मुंह पे कैमरा ले जाओ रेहान उठो रेहान बेचारा देखता है सबसे पहले तो इनके घर में सारे टाइम ये चलता होगा कि सबसे पहले आंख खोल के देखो कि कैमरा मुंह पे है या नहीं है उसके बाद रिएक्शन देना है नहीं तो फिर रीटेक करना पड़ जाएगा भाई दोबारा सोना पड़ेगा दोबारा चिल्लाएगी दोबारा डांटेगी फिर से मुझे उठना पड़ेगा तो टोन भी देखना आप इसकी कि किस तरीके से इसकी टोन बदलती है अपने भाई को जाके बोले कभी अरे भाई सो रहे हो अभी तक क्यों सो रहे हो उठो भाई उठो अरे भाई उठो या दीपिका को बोल के दिखा अरे भाभी सो रही हो हो अभी तक उठी क्यों नहीं हो? उठो करके है तब मैं मानू कि हाँ दम है बंदी में ये फुसकी है बिल्कुल घर में जो होते हैं ना चार लोगों के ऊपर जोर चलता है ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका ना अपने घर में बहुत आवाज निकलती है बहुत जोर चलता है और बाहर जाके ऐसे फिस हो जाते हैं वो उनके उनका ना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है बाहर जाके और घर में बड़े फैलते हैं बड़े अक, ब, बड़े अकड़ दिखाते हैं अपने घर वालों पे आप भी अग्री करोगे कहीं ना कहीं आपने भी देखे होंगे ऐसे लोग आपके घर में भी हो सकते हैं आपने अपने वर्क पे देखे होंगे अपने स्कूल कॉलेज में देखे होंगे कि जो दूसरों के सामने बड़ा अकड़ते हैं और सर थोड़े से चार पांच लोगों के सामने अकड़ते हैं वो उनकी अकड़ इतनी होती है बस इनकी ना लिमिटेड दुनिया होती है उससे ज्यादा नहीं अकड़ सकते वो तो फिर यहाँ पे देख उसके बाद ये खोलती है अनपैक करना है मुझे एक बॉक्स यहाँ बैठ जाती है और फिर नाटक करती है ये बॉक्स में अनपैक करूंगी वो बाद में बिहाइंड द सीन दिखाया जाता है कि वो सनी ही रैप वगैरह खोल रहा था और सनी ने भी रैप खोलते खोलते बोला कि तुम लोग की जबान बहुत चलती है तुम्हारी जबान से ज्यादा तेज या चक् ऐसे कुछ जबान के ऊपर बेसिकली कमेंट मारा था ताना मारा था फिर डर गया था फिर उसकी तरफ देख रहा था और फिर ये कहती है अब मैं खोलूंगी अब मैं बोलूंगी और फिर इसने ले लिया फिर बोलती है मैं थक गई खोल के भैया तुमने तो दो बार हाथ हिलाया था बाकी सारा सनी ने खोला है और सही बताऊं तो ये पैकेट खोलना कोई इतना भी बड़ा काम नहीं था जो ये पूरा पीछे का एंगल वेंगल सब सेट वट करके साफ सुथरा करके ऐसे बैठी हुई है ना कि अब मेरा भैया बड़ा कोई सीन चलने वाला है ये गिफ्ट लेके बैठ गई यही करती है बस ये पूरे घर में नीचे आ जाती है और उनको तंग करती है घर वालों को कि मेरे लिए खाना बना दो मेरे लिए चाय बना दो मेरे लिए ये कर दो मैं अब यहाँ पे शूट करूंगी अब खाली कर दो अब, कर दो, अब हट जाओ ये सब करती होगी तो इसे ये पैकेट सा खोला था ना जो अल्टीमेटली सनी ने खोला था वो पैकेट खोल के बेसिकली इसको एक गिफ्ट मिला था लाइट का नियॉन लाइट का तो वो लाइट का उसके लिए थैंक यू थैंक यू आपने मुझे दिया उसके बाद वो सब कर रहे थे तो मतलब ये तो पता चल गया कि बिहाइंड द सीन इनका क्या होता है वो एक्सपोज तो कर ही दिया सनी ने अब पता नहीं इन्होंने सोचा होगा बहुत फनी लगेगा कि मैं खोलने बैठी हूँ दो बार चक्कू मैंने चलाया उसके बाद बिहाइंड द सीन में सनी ने ले लिया सनी ने पूरा खोल दिया फिर बोलती मैं बोलूंगी अब उसके बाद फिर से मैंने पकड़ लिया फिर मैंने लास्ट रैप हटा दिया फिर मैंने बोला मैं थक गई तो ये तो एक्सपोज हो ही गया तो इसी बात पे ना Uh, सबको पता है हमें तो पता ही है लेकिन मुझे लगा शायद इसके भोली जनता को ना पता हो तो ये खाना जो बनाती है ना दो बार चम्मच हिलाती है वो खाना पीछे कोई और ही बना रहा होता है ये सब सारे काम कोई और कर रहा होता है तो इसी बात पे ना किसी ने कॉमेंट लिखा है इसके ब्लॉग में कि जिस तरह सनी ने अनबॉक्सिंग आप पढ़ लेना जिस तरह सनी ने अनबॉक्सिंग करने का बिहाइंड कर रहा था उस तरह खाना बनाने का भी दे दो कि खाना बनाने के लिए जो बेसिकली जो चम्मच चम्मच हिलाती है ना दो बार कि अब हम बनाएंगे हलवा ये घी में डाला मैंने सूजी हाथ से उठा के मुठ्ठी भर के सूजी डाल रही थी जो फिर वो जो चलाती वलाती है उसके बाद पीछे से कौन करता होगा बेटी खाला, बेटी खाला खाला जो केक केक बनाती है केक में बस दो बार ये चम्मच उसके बाद रिजा करती है साफ सफाई बर्तनों की कौन करता है रिजा या बेटी खाला मतलब माँ बेटी को दोनों को नौकरों की तरह ट्रीट कर रहे हैं और तभी भी कोई इनके लिए आवाज नहीं उठाता है फिर वही वाली बात हो जाती है इंसान जब तक अपने आप के लिए आवाज नहीं उठाता है ना तो दूसरा तो क्या ही उठाएगा राइट बेटी खाला को भी लग रहा है मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं मैं भी फ्री में पल रही हूँ अब काम करना पड़ रहा है तो पढ़ रहा है नौकरों की तरह ट्रीट करते हैं तो करते हैं मैं क्या करूं अब उनके हस्बैंड भी पता नहीं कितना सपोर्ट करते हैं इस फैमिली को और पता नहीं क्या सिस्टम है बट

अगर ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आए हैं ना अपने घर को अपने परिवार को अपना पूरा खानदान को 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 बाथरूम बाथरूम और बेडरूम बेडरूम दिखाने जब में में कैमरे कैमरे जा जा रहे हैं, में कैमरे ले जा रहे हैं हैं तो आवाज जनता की उठेगी जनता बेवकूफ बन के चुपचाप नहीं बैठी रहेगी और ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग बहुत सपोर्ट करे तो अः सब लोग बस डर के मारे चुप बैठेंगे बात डर की नहीं है जब बात सही और गलत की है हमने मैंने बहुत सारे लोगों के ब्लॉग देखे हुए हैं और किसी दिन अलग से बात करेंगे इस बात पे कि मैंने बहुत सारे देखे हैं और कुछ लोगों के लिए तो मैं बहुत सेंसिटिव भी हूँ कि यार उनको थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए जितनी मेहनत करती है बेचारी लड़कियां लेकिन इसको अननेसेसरी सपोर्ट विदाउट एनी स्किल विदाउट एनी कैलिबर जो मिल रहा है वो और वो भी हिपोक्रेसी के दम पे वो भी रिलीजन का कार्ड खेल के वो भी गलत तरीके से खेल के तुम पंद्रह मिनट अपना रिलीजन का कार्ड सही तरीके से नहीं खेल पा रहे हो तो तुम बाकी दिन तो क्या करते होंगे खैर कमिंग बैक टू द द्लॉग अगेन अब मैं इसके बाद ये कहते हैं मैं शार लेने जा रही हूं मैंने इसका अलग से पॉडकास्ट बनाया है वो आप देख लीजिए प्लीज जरूर देखना शार वाला

अपने मॉल सीधा मॉल चले जाते क्योंकि मॉल तो जाना ही है और फिर कप भी बीच में लेने जाते एक जरूरी काम से जाना है क्योंकि हमें कप लेने है। कप लाने इतना जरूरी काम है कि तुम चल पड़े कप तो तुम हर दूसरे तीसरे दिन जब वैसे ही घूमने फिरने जाते हो तब ले सकते हो कप लेने स्पेशली मैडम जी और ये इसका हस्बैंड दोनों बैठ के कार में गए हैं कप लेने कि भैया तुम्हारे घर में एक भी कप नहीं है रोज तो हर तीसरे दिन शॉपिंग कर रहे हो बट जाते हैं उसके बाद मॉल जाते हैं अब मॉल जाने में देखो सौरभ को कैसे पीछे बिठाया हुआ है रेहान के साथ वो भी बेचारा गुलामों के जैसे बैठा रहता है वो पकता तो बहुत होगा इनकी बेवकूफियों पे इनकी हरकतों पे इनकी जाहलगिरी पे कि मतलब कैसे लोग हैं और जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अगर ये उससे एडिटिंग वगैरह करवाते हैं तो वो देखता तो होगा ये कितना पैसा छाप रही है उसे लगता तो होगा कि क्या बेवकूफ बना बना के छाप रहे हैं ये लोग पैसा लेकिन क्या कर सकता है वो उसके बाद वहां पे जाते हैं ओबेरॉय मॉल और वहां पे उसको मिल जाती है दीपिका दीपिका की मम्मी धर्मदादा और छोटा बच्चा और रूहान जो कि वहाँ शॉपिंग कर रहे होते घूम रहे होते जो दीपिका ने अपने ब्लॉग में कवर किया होगा तो इससे साफ पता चलता है कि इन लोगों के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन है ही नहीं इन्हें पता ही नहीं कि कौन कहा जा रहा है क्या कर रहा है एक दूसरे के मतलब लाइफ में क्या चल रहा है कोई लेना देना बिल्कुल मतलब कोई भी कम्युनिकेशन नहीं रह गया है

तो वो नहीं वहां पर ऐसा सरप्राइज होता है कि मैं ये दूसरे शहर में रहता हो कोई और अरे तुम यहाँ कैसे ये तुम्हारे घर में तुम्हारे ऊपर नीचे रहते हो तुम लोग बट खैट मम्मी अम्मी है जो जेनुअनली हैप्पी होती है रूहान को देख के रूहान तो बेचारा ऐसा लग रहा था कि ये आंटी कौन है मैं तो जानता ही नहीं क्योंकि देखिये बच्चा जब तक मिलेगा नहीं किसी से वो उससे क्लोज नहीं हो सकता है और वो अपनी दादी के पास ही रहता है तो मैंने पहले भी कई बार बोला है कि बच्चा रिस्पोंड जो करता है ना इनके खानदान में तो सिर्फ अपनी नानी को सॉरी मैंने दादी बोला नानी के पास रहता है और नानी को ही रिस्पोंड करता है वो बाकी लोगों को वो शोहेब को भी इतना रिस्पोंड नहीं करता शोहेब हाँ, 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 करते हैं वो कोई नहीं देखता उसको ज़्यादा दीपिका को भी न्यूट्रल सा ही रहता है ये सिर्फ नानी के साथ ज्यादा खुश रहता है ऐसे दादी के साथ दादी ने ले लिया बच्चा इधर-उधर देख रहा है भैया क्योंकि दादी के साथ तुम खेलने तो देते नहीं हो आने नहीं देते हो दादी को और दादी आती भी होगी बच्चे का मतलब अंकल का खाना पापा इब्राहिम का खाना देने तो दादी को अलाउड नहीं है बच्चे से खेलना और अब ये देखिए कि सभा को या किसी को भी इनके घर में जाके व्लॉग शूट करना अलाउड नहीं है अगर इसकी मम्मी खाना देने भी जा रही है तो वो पार्ट ने नहीं दिखा सकती वो भले नीचे दिखा दे कि अच्छा खाना देने जा रही है पापा को वह यहाँ तक वो ऊपर खाना देते हुए खाते हुए दिखाते हुए नहीं दिखा अलाउ करेगी तुम किसी के लिए करो और वो बंदा तुम्हारे अगेंस्ट जाए तुम्हारा कोई एहसान ही ना माने और तुम्हारी बेजती करने में लगे तो तुम्हें स्टैंड लेना चाहिए तुम्हें बिल्कुल सही करना वही करना चाहिए जो दीपिका कर रही है तो दीपिका ने कोई गलत कदम नहीं उठाया दीपिका को मैं फुल सपोर्ट करूंगी इनके पूरे खानदान में एक्चुअली दीपिका और शोहेब अभी भी कुछ ना कुछ करते हैं अपने काबिलियत के दम पे इन्होंने कुछ तो किया है और मेहनत भी कर ही रहे हैं और पेरेंट्स के लिए फैमिली के लिए भी करा ही है भले थोड़ा कम किया है या कुछ तो गलत किया है लेकिन करा तो है एज कम्पेयर टू सबा सबा तो यूज ही कर रही है ना इनको इनको सिर्फ निचोड़ रही है इनको तंग कर रही है सनी को फिर ये सनी को जो ब्रेकफास्ट देती है सुबह अब ये देखो सनी कहता ऐसे ब्रेड खाऊंगा मैं आ, खा लो ना ना ये ये देखो इज्जत रह जाती है जब बंदा न, काम नहीं करता निकम्मा होता है और नौकरी नहीं करता और बीवी की कमाई पे रहता है और घर जमाई बना रहता है तो ये ऐसे ही इसकी अभी हालत हुई पड़ी है इसको ये ब्रेकफास्ट दिया जा रहा है और आप सोचिए जो जो भी मैरिड लड़कियां हैं या जो अनमेरिड भी है उन्होंने देखा होगा अपने घर में किसी जमाई को आते हुए या जो लड़कियां हैं उनको पता होगा कि नॉर्थ इंडिया में तो भाई मैं नॉर्थ की हूँ तो मुझे पता है नॉर्थ इंडिया में जमाई की कितनी इज्जत की जाती है ससुराल में और जैसा भी उनका रहन सहन होता है उससे थोड़ा ऊपर ही उठ के उनको खिलाया पिलाया जाता है और ये देखिए ससुराल में इसकी इज्जत ये इसको ब्रेकफास्ट मिला है पाँच छह सात ब्रेड उठा के बहुत वो कहता है इतनी सारी ब्रेड खाऊंगा तो कहता खा लो तो मतलब सात आठ ब्रेड ऐसे सेक के और प्लेट में डाल के दे दी ये शक्ल देखो इस बंदे की तो उसके बाद जाते हैं बाहर घूमने जब जब मॉल जाते हैं ना तो मॉल से उसके बाद कहते हैं कि अः रेहान कह रहा है कि नई जगह खुली है वहां चलते हैं तो सनी कहता है कौन सी जगह ये वो और इसकी माँ को बेचारी देखे रात हो जाती है वहां तक जाते जाते लेकिन इनको घूमना फिरना बाहर वारा गर्दी करना इन्हें सब पसंद है इसकी माँ की डायबिटीज लेवल बढ़ रहा हो थक गई है कोई लेना देना नहीं है तो मैं फोर सीजंस के लिए ये जाते हैं फोर सीजंस ठीक है seasons, तो फोर सीजंस के लिए मैं अलग से पॉडकास्ट बनाऊंगी क्योंकि मुझे इस पे लंबी बात करनी है ये पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं इसको यहीं पे फोर सीजंस वाली बात नहीं करते हैं तो बात करते हैं फिर सब अपना बेडरूम का टूर देती है तो अब आप ये देखिए कि बेडरूम का टूर आप हिजाबी हैं आप बेडरूम में ले जा रही हैं सबको और मतलब बेडरूम का टूर देना तो सेकंड में ऐसे घुमा के दिखा सकती है नहीं जी आप बेडरूम का टूर फुल फ्लैश देंगे ये हमारा बेड है ये हमारे पिलो है ये दो पिलो ऐसे ये रूम है जहाँ पे सुकून मिलता है ऐसा रूम होना चाहिए जो पहले भाभी अभी ने डिजाइन करवाया था वो तो तुम्हें पसंद नहीं आया अब तुमने खुद डिजाइन कराया पिंट्रस्ट पे देख देख के और जो इसने डि कराए ना देखो अलमारी वगैरह अच्छी लगाई है स्लाइडिंग डोर लगाए हैं वो सही है कि भाई स्पेस कम घेरते हैं लेकिन इसने अपनी अलमारी खोली नहीं खोली भी नहीं जरा ऐसे बस ये कर दी क्योंकि इसे पता है कबाड़ मचा होगा घर अलमारी के अंदर सनी ने अपने कपड़े सलीके से टांगे थे तो वो दिखा दी फिर कहते सनी ने तो लगा भी दिए अपने कपड़े भाई तू तो, तो पांच साल में भी नहीं लगा पाएगी सनी ने लगा तो दिए और इसने एक और बेवकूफी जो करी है इसका पूरा रूम जैसे देखे अलमारी का कलर बेड का कलर ये सब मैचिंग है पर्दों का कलर वो तो चलो ठीक है कहती है ये मैंने बेज कलर का करवाया भैया बेज में इतना क्यों स्ट्रेस दे रही है बेज कलर का भैया नया नया वर्ड सीखा है क्या तो एक्चुअली इससे मुझे एक और चीज याद आई मैं ना इसका कुछ देख रही थी पुराना मैं बोलूंगी नहीं कहाँ पे लेकिन इसके ना तो एक बंदे ने कमेंट लिख रखा था जो इनका फ्रेंड हुआ करता था उसने कमेंट लिखा था बेसिकली इंस्टा पे देख रही थी और उसने कमेंट लिखा था की बात है तो ये बंदा मतलब नहीं है तो उस पॉइंट से कह रही हूँ कि ये बोलती है ना शार बेज ऐसे करके बोलती है ये तो उससे पता चल जाता है तो मैं ये कह रही थी इसे बेडशीट पिलो कवर पीछे का जो ऊपर का इतना बड़ा बेड पे लगाया हुआ दीवार पे वो करटंस और ये जो है इसके कैबिनेट का कलर सारे मैच कर रहे हैं भैया थोड़ा तो कंट्रास्ट ला दो मतलब पूरा तुमने बेज ही कर दिया पूरा रूम ही बेज हो गया है और फिर उसके बाद ये बैठ जाते हैं और उसकी माँ और वो लेके आती कपड़े नीचे से बैल बजती है तो उसकी बेटी खाला बेचारे कपड़े लेके आती है ढेर सारे ये तुमने हमने धो दिए है बेचारी तो धो के उठा के नौकरों की तरह लेके आ रही हैं और अम्मी जी आ रही हैं फिर उनके अम्मी जी को होम टूर कर, ये बेडरूम का टूर दिखाते हैं हाँ बहुत अच्छा है साल बहुत अच्छा है अभी नीचे मत आना साल अभी नीचे मत आना अरे मैं नीचे नहीं आऊंगी तो मैं खाऊंगी क्या मैं, मैं ये बर्तन मेरे गंदे हो जाएंगे मैं मानजूंगी कैसे मुझसे नहीं आएगा ये तुम लोग को किस लिए पाल रही हूँ मैं इसीलिए तो तुम मेरा घर का काम करो फिर लैंप वैम्प दिखाती है वो सब चलो ठीक है

लेकिन वही है कि हर रोज ये व्लॉग डाल देती है तो मुझे वो सब बनाने का करने का टाइम ही नहीं मिल पाता है बट आई विल फाइंड माई टाइम टू एक्सपोज देम एंड या प्लीज़ लाइक दिस कॉन्टेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कॉमेंट कॉमेंट करिए मैं रिप्लाई करूँगी अगर आपके कॉमेंट में कोई वैलिड क्वेश्चन होगा या कोई भी कंसर्न होगा तो तो चलिए हैव अ ग्रेट डे बाय बाय